नागपुर के पब और क्लब में आए दिन मारपीट और झगड़े देखे जाते हैं। इसी बीच नागपुर के वीआर मॉल में जो एजेंट जैक्स है उसमें एक झगड़े और मारपीट का किस्सा सामने आया, जिसमें एक कपल थे जो कि क्लब में रात में आए थे, उनके साथ कुछ लोगों ने कुछ गुंडों ने मारपीट की है। उस पर बताया जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि मारपीट की गई, उन्होंने सिगरेट का धुआं उनके ऊपर छोड़ा था, वो लड़की के ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ा था, उनके साथ वो मारपीट किए और ये जो मैटर है ये इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन में गया। लेकिन क्या ऐसी वजह है जो कि पुलिस कोई इस एजेंट जैक्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि एजेंट जैक्स में हमेशा ही ऐसा जो मैटर होते हैं मारपीट झगड़े के मैटर देखे जाते हैं। कुछ महीने पहले भी यहाँ पे मैटर आया था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी नया मैटर आया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या कारण है जो प्रशासन और पुलिस है जो इस पर कदम नहीं उठा रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दिनांक 21/7/2024 को एजेंट जैक पब यहाँ पर दो ग्रुप में हाथापाई हुई थी, ऐसी जानकारी वो एजेंट जाके मैनेजर ने पुलिस स्टेशन को बताने के बाद हमारा स्टाफ वहाँ गया था। उसमें से एक प्रवीण मुन्नालाल हिरनखेड़े ये अपने वाइफ और कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पार्टी के लिए गए थे, और सामने वाला सुरेश घोरपड़े रैना बेसा ये अपने दोस्तों के साथ गए थे। उनमें बार के अंदर उन दोनों में धक्का लगने के कारण से वो हाथापाई हुई थी। फिर बाद में दोनों को पुलिस पक्ष ने अपनी रिपोर्ट के बारे में बताया, लेकिन दोनों ने रिपोर्ट देने के लिए मना किए, इसलिए प्रकरण में रिपोर्ट दाखिल नहीं है। मैनेजमेंट स्टाफ को ऐसी वारदात रिपीट नहीं होना चाहिए, इसलिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो करने के लिए पुलिस द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई है। सर, आई थिंक एजेंट जैक्स में कुछ दिन पहले भी एक विवाद हुआ था इसी तरह के, उनका बेटे को लेकर, लेकिन एजेंट जैक्स पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कड़ी कार्रवाई? जो एजेंट जैक पब है वो इसके पहले एक 4-6 महीने पहले का एक प्रकरण दाखिल है, उसमें गुना दाखिल है ऑलरेडी, और वो गुने में जो आरोपी थे उनके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल किया गया है। पुलिस प्रशासन के तरफ से उनका लाइसेंस सस्पेंशन के लिए हमने ऑलरेडी कंपोनेंट अथॉरिटी को रिक्विजिशन भेज दी है।